जब इंजीनियरिंग करने के लिए भुवनेश्वर चले गए थे तब से ही मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा, लोगों के बीच में खड़े होने में हमको अजीब लगता था और जो ग्राफ्ट लगे हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में, और इसमें डस्ट वस्ट भी बचाना है। मेरा नाम आकाश कुमार सिंह है और हम झारखंड धनबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मेरा हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, अभी भी है, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। एक्चुअली हम जब इंजीनियरिंग करने के लिए भुवनेश्वर चले गए थे तब से ही मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब वो स्ट्रेस के वजह से हुआ या हार्मोन इनबैलेंस से, जेनेटिक्स से, हमको नहीं पता, पर इस वजह से हम बहुत परेशान रहने लगे। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा, लोगों के बीच में खड़े होने में हमको अजीब लगता था, लोग मेरे बाल को लेके कमेंट करते थे। उसके वजह से हम बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किए, दिखवाए, बहुत सारे पैसे खर्च हुए, पर रिजल्ट नहीं मिला। हम फिर मायूस हो गए, मन ही मन बहुत परेशान रहते थे। कुछ भी अच्छा कपड़ा भी पहनते थे तो हमको अच्छा नहीं लगता था, कहीं रिलेटिव में आने जाने का मन नहीं करता था। लोग बोलते थे, कमेंट करते थे, इतने कम उम्र में ऐसा हो गया, वो हो गया, इस सब बातों से मेरा मेंटली इस सब चीज़ों से असर पड़ने लगा। और हम लाइफ में जितना बेहतर कुछ कर सकते थे वो सब भी नहीं कर पा रहे थे। और ये प्रॉब्लम मेरा 2016 से है, लगभग 7-8 साल से हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। फिर हम यूट्यूब में देखें, वहाँ से पता चला हमको यहाँ QHT क्लिनिक में यहाँ पता किए, फ़ोन किए, यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा है, और फिर हम यहाँ कंसल्ट किए और यहाँ पर आ गए। अब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा, और उन जो लोगों ने मेरा इतना मजाक बनाया शायद उन लोगों को जवाब देने का समय आ गया है। देखिए मेरा हेयर फॉल कितना हो चुका है, अभी मेरा एज है 29 और ये प्रॉब्लम हम 7-8 साल से फेस कर रहे हैं, यानी कि मतलब 21-22 से हम फेस कर रहे हैं। अब 21-22 के एज में बाल झड़ जाना आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। अब मेरे से ज़्यादा एज वाले लोगों का बाल रहता था, मेरा नहीं रहता था, उस जगह में हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये सब चीज़ें जिनका बाल का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हुआ, वही समझ सकते हैं, बाकी लोग तो सुन ही सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते उस चीज़ को। और यही है, और अब शायद ऊपर वाले ने सुन लिया है, हम ऐसा भगवान को बोलते थे, हम बहुत मांगते हैं भगवान को कि काश मेरे भी सर में बाल आ जाए, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, और हमको लगता है शायद यहाँ चमत्कार ही होता है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। बस यही बोलेंगे जाते जाते कि अगर किसी को कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, सिर्फ बाल का ही नहीं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो उनका मजाक ना बनाए, यही मेरा मैसेज है, क्योंकि उससे उनके दिमाग में, दिल में क्या असर पड़ता है वो आप नहीं समझ सकते। बस यही बोलना चाहेंगे, चाहे किसी तरह का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो या कोई भी तरह का प्रॉब्लम। और हमें डॉक्टर ने 4,000 से 5,000 ग्राफ्ट लगाने की बात बोले हैं, और अभी मेरा ब्लड सैंपल और जो अदर टेस्ट होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो सब हो रहे हैं, अभी प्रोसेस शुरू हो चुका है, और उसके बाद मेरा ट्रांसप्लांट होगा, और ट्रांसप्लांट के बाद जो भी रिजल्ट होगा हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, अपने हर एक मोमेंट को, अपने ट्रांसप्लांट के जर्नी को। और अब सर्जरी के बाद ओवरऑल जो भी रिजल्ट होगा हम वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।
मेरे ट्रांसप्लांट पूरे हो गए हैं सेशन। मेरा 2 दिन तक ट्रांसप्लांट चला QHD टेक्निक से। आप देख सकते हैं कैसा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है। मेरे 5,500 ग्राफ्ट्स लगे हैं QHD टेक्निक से, और प्रिक्वेशन में बोले हैं, मेडिसिन दिए हैं खाने के लिए, और नॉन वेज जैसे मटन चिकन एग ये सब से परहेज करना है, स्पाइसी फूड्स, और जितना ज़्यादा हो सके हेल्दी और लाइट खाना है, और जो ग्राफ्ट लगे हैं वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आना चाहिए, सनलाइट के कांटेक्ट में, और इसमें डस्ट वस्ट से भी बचाना है। और OT में यानी ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ लोग का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, बहुत सपोर्टिंग थे, और बीच बीच में सर्जरी के दौरान रिफ्रेशमेंट मिलता था, वॉशरूम जाने के लिए फूड पानी ये सब वगैरह दिया जाता था। मेरी QHD के साथ हेड ट्रांसप्लांट की जर्नी बहुत सक्सेस रही। और जिन लोगों को ये लगता है कि हेड ट्रांसप्लांट में बहुत ही खतरे हैं, डर है, वो लोग बेफिक्र होके करवा सकते हैं। इसमें कोई तरह का डर नहीं है, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। शुरू शुरू में बस जो लोकल एनेस्थीसिया लगते हैं तभी तकलीफ होता है, पेन होता है। आप उतने से पेन तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं, जो पेन आप लोगों के ताने से मिलते होंगे उनसे तो ये बहुत कम होंगे। आगे आप लोग की मर्जी, पर इसमें कोई तरह का खतरा नहीं है, कोई तरह का टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिलता हूँ अपने PRP सेशन में बहुत ही जल्दी। थैंक यू QHD। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।